Hello students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss 21 to 30 questions of level 1 in alkene chapter. Let's start. Question 21 हमारे पास, which of the following is the best stereochemical representation when reaction with 1 methyl cyclohexene and NBS reacts in aqueous dimethyl sulfur oxide. तो NBS देखते हैं, सबसे पहले लोगों के मन में क्या आता है कि allylic substitution होगा, but यहाँ पर आपको note करने वाली बात ये है कि सॉल्वेंट में एक्वस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी. कि हमारे पास यदि क्या होता है कि हमारे पास कोई भी लेट से एल्कीन है, कुछ इस तरह से एल्कीन है, यदि NBS के साथ में N ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ हीट दिया हो या H न्यू दिया हो, तो हमारे पास एलाइलिक पोजिशन, यानी ये एलाइलिक पोजिशन है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनो हेलोजिनेशन, यानी यहाँ पर NBS है तो यहाँ पर ब्रोमो जुड़ जाता है एलाइलिक पोजिशन पर, ठीक है. बट यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ, NBS इन एक्वस मीडियम, NBS इन वाटर, NBS इन एक्वस मीडियम में क्या होगा कि हमारे पास N ब्रोमो सक्सिनेमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा N ब्रोमो सक्सिनेमाइड होगा, ठीक है. तो वाटर में हमारे पास यहाँ पर ये वीक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा. हेट्रोलिटिक क्लीवेज से क्या मतलब है, यहाँ पर यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इधर बॉन्ड जाएगा, क्या बन जाएगा, Br पे पॉजिटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों के दोनों आयंस वाटर में स्टेबलाइज होंगे थ्रू हाइड्रेशन, ठीक है. तो हमारे पास अब Br प्लस बन गया, इस Br प्लस, क्योंकि यहाँ पे Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में नहीं आया है एक्वस मीडियम, तो यहाँ पर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की यदि आप Br प्लस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो क्या बनेगा, यहाँ पर Br पॉजिटिव में, ठीक है, इस पर आप H2O का अटैक कराएंगे. अब जो H2O का अटैक करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, मोर हिंडर्ड कार्बन पे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो कार्बोकोटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH ग्रुप जो अटैच होगा या वाटर, वो Br लीविंग ग्रुप की एंटी पोजिशन पे होगा. तो सिमिलरली यहाँ पर अपन देख लें तो हमारे पास क्या आएगा, किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, यदि OH हमारे पास वेज पे है यहाँ पे, तो यहाँ पर Br किस पे होगा, यहाँ पे डैश पे होगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पे होंगे, यहाँ पर ये मिथाइल डैश पे आ जाएगा. या सिमिलरली क्या होगा, यदि OH ग्रुप हमारे पास क्या है, OH ग्रुप हमारे पास यहाँ पर डैश में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेज में Br हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेज में मिथाइल, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे दोनों के दोनों. तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन से यदि मैच करें तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में हमारे पास यहाँ पर 3-methyl-2-pentene दिया हुआ है, जिसका आप रिएक्शन किसके साथ करते हैं, BH3 in H2O2 with OH-, तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, और एडिशन जो होता है वो भी क्या होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है. तो हमारे पास 3-methyl-2-pentene का ट्रांसफॉर्म है, यानी ई फॉर्म है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का, कि यहाँ पे CH3 मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल इसके अपोजिट में होगा, ये इसका ई फॉर्म है, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म है. ट्रांसफॉर्म पे आप यदि क्या करा रहे हैं, BH3 in H2O2 with OH-, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से यहाँ पर एडिशन होगा H और OH का, तो H कहाँ पे अटैच होगा, H यहाँ पर अटैच होगा, OH कहाँ पे अटैच होगा, OH यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है. इसके बेसिस पे ये हमारे पास लेस हिंडर्ड साइड पे OH जाके अटैच होगा, इस बेसिस पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रांस है, ये सिन एडिशन होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें इराइथ्रो बनेगा, ठीक है. अब ये इराइथ्रो कैसे बनाए डायरेक्टली, तो इराइथ्रो के लिए आपके ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, CBSE टेस्ट, ठीक है. इसमें आप बी और ई को एलिमिनेट कर दीजिए, यदि सिस एल्कीन लेंगे सिन एडिशन होगा तो यहाँ पे बनेगा इराइथ्रो, और ट्रांस एल्कीन लेंगे उस पर सिन एडिशन कराएंगे तो ये बनेगा 3O. इराइथ्रो से क्या मतलब है कि जो कमिंग ग्रुप्स है, लेट से Br आ रहे थे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये Br है, 3O में हमारे पास क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो सिमिलरली यहाँ पर H और OH आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इराइथ्रो हमारे पास यहाँ पर कैसा बनेगा मॉलिक्यूल, इराइथ्रो अपने पास इस तरह से मिलेगा, ठीक है. हमारे पास H आ रहा है इधर से, लेट से यहाँ पे H आ रहा है तो OH यहाँ पे आएगा, H किस कारण पे आ रहा है, इस कारण पे जिससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे CH3, ठीक है, OH CH3 और इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे CH3 लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, ठीक है. आपको अभी यहाँ पे बोधर नहीं करना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबके सब
न्यूमैन कन्फॉर्मरी है, तो न्यूमैन कन्फॉर्मेशन में रोटेशन करके आप हर एक कन्फॉर्मर को बना सकते हैं। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बन इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन से हमारे पास यदि इसका हम क्या करें, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये एथाइल है, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये एच है, ठीक है। सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ पर ये देखें CH3 है, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये OH हो जाएगा, यहाँ पर H, क्योंकि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन जो होते हैं वो फुल्ली इक्लिप्स्ड होते हैं। इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे बाकी कन्फॉर्मर आप इजीली रोटेशन करके बना सकते हैं। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर अपने को मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए एंटी ग्रुप होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक को तो कॉन्स्टेंट रखिए, यानी इस तरह से ग्रुप रखिए, इथाइल इथाइल, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एच है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, OH को यहाँ पे मिथाइल, आप क्या करें, इसको घुमाएंगे, आप इसको घुमा दीजिए, घुमा घुमा के यदि आप रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यदि CH3 यहाँ पे आएगा इसके एंटी पोजिशन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, हमारे पास CH3 यानी इस कार्बन से यहाँ पे इथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 और H, यानी एक कार्बन से हमारे पास यहाँ पे MeOH जुड़ा हुआ है, फिर इथाइल H CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये वाला है। बट यहाँ पर इन दोनों में जो देखें, ये हमारा गोच इफेक्ट है, तो ये हमारा गोच कन्फॉर्मर है, यहाँ पर देखें तो ये अपना एंटी कन्फॉर्मर है। मोलिकुलर फॉर्मूला या अरेंजमेंट जो है, स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम है, बट यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर MeHH है, जबकि OH होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर MeETOH है, तो इस तरह से भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ए और बी में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो एंटी फॉर्म जो होता है उसमें लेस रिपल्शन होता है, लेस रिपल्शन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बता करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पे सब जगह अल्कोहल दिया हुआ है, तो हमारे पास कोई भी अल्कोहल हमने दिया तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या मतलब है कि इनिशियली एच प्लस यहाँ पे बन जाएगा ROH2+, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन यानी H2 का रिमूवल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अब हमारे पास यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर H2 के रिमूवल रेट फास्टर होगी, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रेट जो है, डिहाइड्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सिंपली आपको OH को रिमूव करना है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ पे कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी देकर यदि आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टेप कार्बोकैटायन बनेगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल बनेगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एनर्जी होगी, तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से लीस्ट रिएक्टिविटी होगी इसकी डिहाइड्रेशन के लिए रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो अभी कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन में आप रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस कराने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा एक तो, ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास ये बेंजीन, तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तुरंत ही हमारे जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये अपना इस तरह से आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ही बेंजीन रिंग वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरे में बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो इस वजह से भी हमारे पास यहाँ पर, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप कैलकुलेट करेंगे पूरी बनाने के बाद में, तो यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, यहाँ पर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, उसकी वजह से भी ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो हो जाएगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, अपना फर्स्ट में, फिर हो जाएगा सेकेंड में, फिर हो जाएगा थर्ड में, थर्ड में सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि सबसे अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन,
तो हमारे पास यहाँ पर एल्किन दिया हुआ है, उसकी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NaHSO3 के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन होती है पर हाइड्रोक्सीलेशन के लिए होती है। इसके लिए आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी एल्कीन हमारे पास यदि दिया हुआ है और उसके आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सीलेशन होगा। डेट मीन्स हमारे पास जो दोनों कार्बन है वहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, विसिनल डाइगोलेन 1-2 पोजिशन पर OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा पर हाइड्रोक्सीलेशन होता है, पर हाइड्रोक्सीलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, सेम एडिशन होती है कि हमारे पास दोनों जो OH ग्रुप आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में या तो वेज पे आएंगे या डैश पे आएंगे, ठीक है। सिमिलर ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर एल्कीन पे इस पर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर एल्कीन पर जो OSO4 के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में हमारे जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कि हमारे पास लेट से OH जो थे वो दोनों एक बार क्या हों, वेज वेज पे आ जाए, यानी अपर साइड से आ जाए। तो यहाँ पर एक बार OH वेज पे आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों ही OH हमारे पास क्या है, डैश पोजिशन से आ जाए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन से। लेट से यहाँ पर OH बैक था, यहाँ पर भी OH बैकवर्ड था, बाकी जो ग्रुप्स हैं जुड़े हुए वो सेम रहेंगे यहाँ पर सिमिलरली इस तरह से, और यहाँ पर डैश डैश डैश। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वेज वेज पे आ जाए सिन एडिशन रिएक्शन या डैश पे आ जाए। तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो कितने होंगे, 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में हमें पूछा गया है कि यहाँ पर ये एल्कीन है Br2, तो कोई भी यदि एल्कीन के साथ में रिएक्शन होती है तो एल्कीन के साथ में Br2 के साथ में रिएक्शन होगी, तो ये Br2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर एज्यूम करते हैं, और यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ ऐसा कार्बोकटाइन Br। अब ये Br का जो लोन पेयर है ये इसको वापस डोनेट करते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब यहाँ पर अपने पास 2 डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास कौन सा डबल बॉन्ड अपन यूज़ करेंगे, तो ये अपने को चेक करना है। तो आपके पास यदि देखिए कि यदि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये Br पे अटैक करे Br प्लस से, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे HCH3, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Br, बाकी मॉलिक्यूल कैसा रह जाएगा, ये H है, इस कार्बन से 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, ठीक है। अब एक कार्बोकोटाइन ये पॉसिबल हो सकता है, यदि ये वाला डबल बॉन्ड Br प्लस पे अटैक करता तो हमारे कार्बोकोटाइन क्या बनता, कार्बोकोटाइन अपना इस तरह से बनता, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 CH2OH, यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पर ये Br आके अटैच हो जाता। अब इन दोनों में से आप देखिए कौन सा कार्बोकोटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इस कार्बोकोटाइन पे यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही, रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर 3α H है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर रेजोनेंस के साथ साथ कोई भी α H नहीं है, क्योंकि ये क्वार्टरनरी कार्बन है, नो α H। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकोटाइन है, ये वाला। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक किस साइड से करेगा, अपने पास इस कार्बन से, हमारे पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये Br प्लस पे अटैक करेगा, और अब हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन जो है अपन को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा Br प्लस, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर मिथाइल मिथाइल, इसके बाद क्या हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर ये हो जाएगा H, इसके साथ ही हमारे क्या पास हो जाएगा H, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि OH जो है वो एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा 6 मेंबर स्टेबल होती है, तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन करेगा, और ये कार्बन हमारे पास मोर क्राउडेड भी है, तो ये अटैक करने की टेंडेंसी यहीं पर होगी, और ये Br रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा विद ऑक्सीजन, तो आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना लीजिए विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन हमने 6 मेंबर रिंग बना ली। अब नंबरिंग कर लीजिए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पे कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किया है। 2 पे नहीं है, 3 पे हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा दिए। फिर उसके बाद 4 पे और 5 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, 4 और 5 पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया, और हमारे पास 5 पे हमारे पास Br ग्रुप होगा, तो 5 पे यहाँ पर Br ग्रुप भी अटैच कर दिया। फिर 6 पे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है, यानी 6 पे हमारे पास यहाँ पर मिथाइल है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
एच प्लस रिमूव होने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। इसमें यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर बी आर, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये तीन दो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें कि किस ऑप्शन से ऐसा मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी से मिल रहा है। देखिए ऑक्सीजन है, उससे मिथाइल कनेक्ट है, फिर ब्रोमीन है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर हमारे पास एक कार्बन छोड़ के दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में हमारे पास यहाँ पर ये एल्केन दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है, एच एफ के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्केन की एच एफ के साथ में रिएक्शन। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो एच एफ के साथ में इस तरह से रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन हमारे पास जो एच एफ है उसको आप इस जब भी एल्केन के साथ में रिएक्शन हो तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ कार्बोकेटाइन है, कि कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लेट से ये एच प्लस और एफ माइनस है। तो एच प्लस हमारे पास क्या अट्रैक्ट करता है, हाइड्राइड को, एच माइनस को। तो एच माइनस के फॉर्म में ये निकलेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हमारे पास यही वाले हाइड्रोजन क्यों निकला, क्योंकि इससे हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन बाकी से भी बन सकते थे, बट अपने को सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन बनेगा वही अपने को बनाना है। तो यहाँ पर एच एफ का रोल आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर एल्केन से कार्बोकेटाइन बनाने के लिए एच एफ का यूज़ हो रहा है। फिर जो ये एल्केन है ये किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे। अब यहाँ पर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये इस पे अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा, लेट से इस पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस प्लस से जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल। यहाँ पर सी एच टू से जुड़ गया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, माइनस और प्लस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने पर माइनस प्लस एक साथ जुड़ गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन और प्लस बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अपने को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना है। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी से टर्शियरी भी बन सकता है। सेकेंडरी से टर्शियरी कैसे बनेगा, ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये मिथाइल इधर आ जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो हमारे ये आप टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो रीअरेंजमेंट आपको तब तक कराते रहना चाहिए जब ईच स्टेप में हमें कोई मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो। तो यहाँ पे प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शियरी हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपली हीट करेंगे कार्बोकेटाइन को रिमूव करने के लिए। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन यहाँ से रिमूव के बन जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच आप पता कर लेंगे, यहाँ पर ये सी एच थ्री, यहाँ पर भी सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच है 12 अल्फा एच, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एज एन एल्कीन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन अटैक करेगा एच प्लस पे, तो इनिशियली हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने पास कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा बाहर रिंग के। बाहर रिंग के क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे पास एक तो कार्बोकेटाइन ये है और दूसरा पॉसिबल कार्बोकेटाइन कौन सा बन सकता था, अपने रिंग पे बना देते। अब इन दोनों में नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कीजिए, तो यहाँ पर 3 अल्फा एच, तो यहाँ से 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी ये 7 अल्फा एच वाला कंपाउंड है। यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और यहाँ 1 यहाँ से, यानी 5 अल्फा एच। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा एच प्लस के साथ में। अब यहाँ पर ये 5 मेंबर था, यहाँ पर 5 मेंबर से 6 मेंबर होगा, यानी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी इसको आप यहाँ पर नोट करके देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर यदि अल्फा पोजीशन पे 5 मेंबर रिंग के क्या हो, ये हो तो रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। 6 मेंबर रिंग में हमारे पास यहाँ पर 1 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 पे हमारे पास क्या आएगा, लेट्स से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्लस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए और प्लस क्या बन गया यहाँ पे, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे। अब हमारे पास यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन का भी रीअरेंजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी है तो उससे टर्शियरी बन सकता है। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल शिफ्ट करने के बाद हमारे पास कार्बोकेटाइन ये सब बन जाएगा। इसको आप सिंपली हीट करेंगे, हीट करने पे हमारे पास एच प्लस ये रिमूव हो गया, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 28 में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ, OH है, ये अटैक करेगा, OH2+ बन जाएगा, OH2+ फिर रिमूवल हो जाएगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। अब फिर एक और बार यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद में ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया, जो कि मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद में अब यदि इसमें आप हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, वाटर एच का रिमूवल होगा, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना, तो यहाँ से ये रिमूव होकर एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, ये एल्कीन अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है। बाकी दो एल्कीन से यदि आप देखें जो बनेंगे, यहाँ से एच निकल सकता है या यहाँ से, तो दूसरा एल्कीन अपने पास कौन सा होगा, दूसरा एल्कीन अपने पास यहाँ से होगा। अब इन दोनों में अल्फा एच काउंट करें तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कितने हो जाएंगे, 7 अल्फा एच, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करें तो 2+2 4+2 6, यानी 6 अल्फा एच। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है ये मेजर होगा, जो कि ऑप्शन किसे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। डाइईमाइड N2H2, N2H2 का फॉर्मूला क्या होगा, अपने पास NH NH, ठीक है, इज यूज टू रिड्यूस डबल बॉन्ड। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखने वाला है नोट करके, कि हमारे पास जो N2H2 है वो N2H2 डाइईमाइड यूज्ड टू रिड्यूस डबल बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, क्या हमारे पास आइडेंटिकल एटम्स में डबल बॉन्ड हो, लेट से हमारे पास क्या हो, एन डबल बॉन्ड एन हो या सी डबल बॉन्ड सी हो, इस तरह से आइडेंटिकल होंगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए N2H2 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये वाला रिड्यूस नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पर भी NO2 में एन डबल बॉन्ड हो और ये है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये N2H2 से यानी डाइईमाइड से रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, CH2CH2 एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 30 में हमारे पास यहाँ पर ये एल्कीन दिया हुआ है H+ HCl के साथ में, तो ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, हमारे पास कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया तो इस पर Cl- का अटैक होगा, ये Cl- का अटैक हो गया, यहाँ पे Cl- का अटैक हो गया तो Cl यहाँ पे लग गया। अब इसकी रिएक्शन किस तरह आ रहा है, NaHCO3 विद H2O, तो NaHCO3 विद H2O से क्या मतलब होगा, कि हमारे पास लेट से देखिए Na+HCO3- ये है, और हमारे पास वाटर में क्या हुआ, वाटर में H+ और HOH-, तो ये क्या हो जाएगा, Na+OH- मिलके इसके साथ यदि आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक तो NaOH और एक बन जाएगा H2CO3। तो H2CO3 क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, तो काफ़ी लेस डिसोसिएटिव होता है, लेस डिसोसिएटिव होकर H+ और HCO3- बनाएगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में बनेगा, बट यहाँ पर जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na+ में और OH- में, तो यहाँ पर OH- जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। तो हमारे पास सिंपली NaHCO3 विद H2 यहाँ पर दिया हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पर OH- दिया हुआ है, तो OH- यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो ये क्या देगा, SN2 मैकेनिज्म देगा, SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर अटैक करेगा और Cl रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये OH। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, Na2Cr2O7, जो कि क्या है, जैसे K2Cr2O7 होता है वैसे ही, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन ईजिली फर्दर ऑक्सीडाइजेबल नहीं होते तो फर्दर एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, कीटोन में ही रह जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा सी, जो कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है, ये नहीं, यहाँ पर तो एक कार्बन मैच हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे, यानी ऑप्शन बी मैच हो रहा है कार्बन के पास वाले, यानी कॉन्जुगेशन में। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.